खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गौतम गंभीर ने की संन्यास लेने की घोषणा। मुजफ्फरनगर पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़। G20 में सऊदी के क्राउन प्रिंस हुए नजरअंदाज। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हत्या का मामला सामने आया। 5 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है G-Set 11। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे गौतम गंभीर ने मंगलवार को संन्यास की घोषणा कर दी। गौतम गंभीर टीम इंडिया का वो सितारा है जिसके दम पर भारत ने 2 विश्व कप अपने नाम किए हैं। गौतम गंभीर ने संन्यास की जानकारी अपने फेसबुक पेज पर दी है। गोकशी के अफवाह में बुलंदशहर जल उठा। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पड़ोस के ही मुजफ्फर में गोकशी के आरोपी पुलिस से टकरा गए। इस मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश जाहिर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वही उसका साथी गुल्लू भागने में कामयाब हो गया। इन दोनों पर गोकशी के कई मामले दर्ज है और इनकी कई दिनों से तलाश हो रही थी। G20 सम्मेलन के समापन के मौके पर जहां दुनिया के तमाम देशों के नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया, वही इस सम्मेलन में शामिल हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नजरअंदाज कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ 2 नेताओं ने क्राउन प्रिंस से हाथ मिलाया। बुलंदशहर हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत के जांच में सामने आया है कि पुलिस इंस्पेक्टर की मौत बुलेट लगने से हुई। बताया जा रहा है कि SIT घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में यही कहा जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर की मौत भीड़ द्वारा की गई गोलीबारी में हुई है। 5 दिसंबर को G-Set 11 को लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह भारतीय विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होगा। बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा ग्रह है जो इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला ग्रह होगा। इसके वजह से एक तरफ देश का टेलीकॉम सेक्टर मजबूत होगा, वही भारत विज्ञान की क्षेत्र में नई इबारत लिखेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS India ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।